नहीं बन पाई और लोकसभा स्पीकर पद के लिए पहली बार चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार यह चुनाव हो रहा है और कल स्पीकर पद के लिए नामांकन कल सुबह 11 बजे दरअसल चुनाव होना है। आज नामांकन हो चुका है। विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार के सुरेश को बनाया है और स्पीकर के लिए नामांकन भरा गया है के सुरेश के द्वारा। एनडीए से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं ओम बिरला, जो कि पिछली सरकार में यानी 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ओम बिरला को एक बार फिर से यहाँ स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन करना होगा और नॉमिनेशन कर दिया गया है ओम बिरला के द्वारा, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से के सुरेश को स्पीकर के लिए नामांकन करवाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा और शर्त के साथ एनडीए सहयोग नहीं चाहती। इस बात से ये साफ हो गया है, क्योंकि एनडीए ने सहयोग के लिए कहा था, ऐसा उनका दावा था और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने इस बात को लेकर जानकारी भी दी थी कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बनाए जाने के लिए समर्थन मांगा है, लेकिन उस समर्थन के बदले एक और समर्थन विपक्ष ने मांगा था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा और किसी भी शर्त के साथ कोई समर्थन सरकार नहीं चाहती। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। पीयूष गोयल ने सामने आकर स्पष्ट किया उस बात को, एनडीए की तरफ से किसी भी तरह सशर्त कोई भी सहयोग नहीं लेंगे, ये बात तय है और इस बात को लेकर फिर अब ये पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा के स्पीकर के लिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव में के सुरेश INDIA की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं विपक्ष की तरफ से और ओम बिरला को एक बार फिर से एनडीए ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए आगे किया है और नॉमिनेशन दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से कर दिए गए हैं और लोकसभा के सदन की जो परंपरा रही है और उस परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो स्पीकर का जो पद होता है, स्पीकर पद पर बैठने वाले व्यक्ति का सभी के लिए स्वीकारता उसकी हो तो ये एक आदर्श स्थिति होती है। हालांकि चुनाव का प्रावधान ज़रूर है और अब चुनाव होगा तो नॉमिनेशन कर दिए गए हैं के सुरेश और ओम बिरला, जो कि अब लोकसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं और अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान किसे चुना जाता है। ओम बिरला जो कि एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं और INDIA की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। स्पीकर पद के लिए पहली बार चुनाव हो रहा है और ऐसे में देखना यह होगा कि कौन चुनकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे आता है। शिवम प्रताप से बात करेंगे, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। शिवम, लोकसभा के स्पीकर का एक ऐसा पद है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो सबकी सहमति इस पर होती है, एक आदर्श स्थिति रहती है, लेकिन अब तो यहाँ पर चुनाव की तैयारी है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल,
के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा का स्पीकर सर्वसम्मत से नहीं चुना जाएगा। खास बात यह है कि न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को 3 दिन पहले ही जानकारी दे दी थी कि इस बार विपक्ष अपना स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतारने जा रहा है। इसके पीछे विपक्ष का तर्क ये था कि आमतौर पर लोकसभा का स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है, डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो विपक्ष का होता है। अच्छा संख्या बल होने के बावजूद एनडीए गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर का पद हमें देने को तैयार नहीं है, इसलिए हम विचार कर रहे हैं। और ये विवाद दरअसल पूरा शुरू प्रोटेम स्पीकर से हुआ था। प्रोटेम स्पीकर जब बी मेहताब को बनाया गया उस वक्त ऑपोजिशन ने ये कहा कि के सुरेश जिन्हें अभी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया गया है वो सबसे सीनियर मेंबर है, 8 बार के सांसद हैं, उनका इस पद पर हक है। लेकिन एनडीए ने बी मेहताब को बनाया था और वहीं से ये विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। के सुरेश कांग्रेस के 8 बार के सांसद हैं, केरल से वो आते हैं, उन्हें ऑपोजिशन ने अपना स्पीकर का उम्मीदवार बनाया। हालांकि संख्या बल ऑपोजिशन के पास भले ही कम हो लेकिन कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा भी बाकी जो इंडिया अलायंस के दल हैं वो अन्य दलों से बात करेंगे और समर्थन मांगेंगे। आज नामांकन का अंतिम दिन था, एनडीए ने ओम बिरला को फिर से उतारा है, इंडिया ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। और बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि प्रोटेम स्पीकर का पद के सुरेश को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित कम्युनिटी के हैं, बीजेपी दलित विरोधी है। और यही पर तुरुप का इक्का कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर चला, यानी कि के सुरेश को स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है। कल 11 बजे से वोटिंग होगी और कल यह तय हो जाएगा कि स्पीकर कौन बनने वाला है। बड़ी बात यह है कि स्पीकर का पद आमतौर पर सभी दलों का होता है, माना जाता है कि स्पीकर किसी दल का नहीं है, लेकिन इतिहास की परंपरा अब टूटेगी। पहली बार स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है। के सुरेश ने तमाम कांग्रेस सांसदों की मौजूदगी में आज नामांकन कर दिया है। और मिलन भार्गव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। मिलन जी, इस तरह की परंपरा लोकसभा में होती नहीं है कि आप हमें अगर सहयोग दें तो शर्त के तहत हम आपका सहयोग भी चाहते हैं कि आप डिप्टी स्पीकर हमारा बनाएं, फिर हम आपके स्पीकर को समर्थन देंगे, पहले डिप्टी स्पीकर पर बात होगी, ये शर्त रख करके प्रोटेम स्पीकर वाले विवाद को आगे बढ़ाया क्या विपक्ष ने? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां देखने में मिल रही हैं, जिस राजनीतिक दल ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया, हत्या की, जिस प्रकार से 1975 का कालखंड याद करिए, आपातकाल जैसा लगाकर लाखों लोगों को बिना वजह जेल में ठूसने वाला जिनका इतिहास रहा है, आज वो संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर आप नौटंकी देखिए कि जब जिस प्रकार का मैंडेट होना चाहिए स्पीकर पद के लिए, जब मैंडेट एनडीए के पास है, तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर किसको दिखाना चाह रहे हैं या क्या जताना चाह रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन ये बेवजह आज देखिए किस प्रकार की नौटंकी करके, गंभीरता का परिचय ना देकर जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, ये देश समझ रहा है कि आप बौखला गए हैं। आपने एन कैन षड्यंत्र प्रपंच रच के जिस प्रकार से लोकतंत्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र की हत्या करके आप लड़ने का प्रयास किया, षड्यंत्र तरह तरह के चलाए, प्रपंच किए, लेकिन आप आज सत्ता में नहीं है तो अब आप क्या कर रहे हैं, तो ये देश देख रहा है, समझ रहा है। मुझे लगता है इसका जवाब भी आने वाले समय में बहुत स्पष्टता के साथ मिलेगा। भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, उनसे भी बात करेंगे। भूपेन जी, विपक्ष पिछली सरकार के मुकाबले इस बार, पिछले 17वीं लोकसभा के मुकाबले इस बार अधिक मजबूत है, तो लोकसभा स्पीकर पद के साथ ही अब यहां पर विपक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है? विपक्ष क्या मौजूदगी, मैं समझा नहीं आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल सर ये कि विपक्ष मजबूत हुआ है तो सरकार को अब हर मोर्चे पर विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, विपक्ष उसे चुनौती पेश करेगा, ये लोकसभा स्पीकर पद के साथ ही शुरुआत हो गई क्या? लोकसभा स्पीकर के पद पे क्या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस की तरफ से के सुरेश ने नामांकन किया स्पीकर पद के लिए, ये तो इसमें अलोकतांत्रिक क्या है? ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दुहाई दे रहे थे और ये आपातकाल की चर्चा भी बीजेपी के सज्जन कर रहे थे, ये तो ताजे ताजे राजनीतिक हैं, इन्हें थोड़ी पता है। पटना की रैली में जो है सारे नेताओं ने भाषण दिया था, पूरी बात कुछ भी पता नहीं है आप। अभी मोदी जी के खिलाफ जनता भाषण देने लगे कि साहब जो है बगावत कर दे सेना इनके खिलाफ, तो आप क्या करोगे? आपके नेताओं ने भाषण दिए थे जो है 1,00,000 लोगों की रैली में कि सेना के जो है बगावत कर दे और प्रधानमंत्री की बात नहीं माने, उसने भी इमरजेंसी लगाई, क्या गलत किया? ठीक किया आपको, क्या इस तरह की गुंडागर्दी करने दी जाएगी? आप सेना से बगावत करने की अपील करेंगे? आप कहेंगे कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ सेना खड़ी हो जाए? ये आपके भाषण थे और ये पाप आपने किया था, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी।
और इमरजेंसी ठीक लगाई गई थी। संवैधानिक व्यवस्था इस बात की कि अगर देश में कोई लोग अराजकता फैलाने पर तुल जाएं और गुंडागर्दी पर आमादा हो जाएं तो इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मोदी जी भी लगा सकते हैं, उसमें कौन सा है, तो संविधान का प्रोविजन है, नष्ट कर दिया था संविधान। आप जो है रेल की पटरियों में डायनामाइट लगा रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नेक काम कर रहे थे आप देश में। आप जो है देश में आग लगा रहे थे, मंत्रियों के आपने बंगले जला दिए थे और आप कह रहे थे इमरजेंसी लगाने से देश में लोकतंत्र का नष्ट हो गया। ये काम आप कर रहे थे, सब प्रमाण है अखबारों में, छपे छपाए पढ़ लेना, ताजा ताजा नेता हो, इसलिए सब चीजें समझ में नहीं आती है। आपका इतिहास है मुझे एक सवाल लेने दीजिए भूपेन जी से। भूपेन जी, एक परंपरा है कि स्पीकर जो हो वो सबकी सहमति से हो, क्योंकि उसको कायदे से आदर्श स्थिति में एक निष्पक्ष वो पद होता है, वो सभी की बातें सुनता है। तो एक निष्पक्ष और सभी की सहमति से अगर चुना जाता स्पीकर तो ज्यादा आदर्श स्थिति होती। एक और उम्मीदवार उतारना, क्या आपको नहीं लगता कि परंपरा के थोड़ा सा खिलाफ जा रहा है? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था का और इस परंपरा का उल्लंघन स्वयं भाजपा कई बार कर चुकी है। और दूसरी परंपरा ये भी है, जरा इसको भी जरा जो अपने टीवी पर जोर से चिल्ला बता दीजिएगा आप कि जब जो है स्पीकर आम सहमति से चुना जाता है तो एक मिनट सुन लीजिए, तो विपक्ष के व्यक्ति को, विपक्ष के नेता को जो है उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। मोदी जी सहमत हो जाए और काम खत्म हो जाएगा, इस पे तो सहमति देंगे नहीं, इसकी भी चर्चा करिए आप। परंपरा ये है कि जो है सत्ता पक्ष का लोकसभा का अध्यक्ष बन जाए तो और विपक्ष का आदमी उपाध्यक्ष बन जाए, जवाब क्या तो बीजेपी को या एनडीए को इससे समस्या है? इसमें क्या है, इससे बात करेंगे, ये जवाब मिलन जी ऑफर करें, मिलन जी से जवाब, क्या बुराई है इसमें? मिलन जी आवाज आ रही है, कांग्रेस की तरफ से है, लोकतंत्र की और संविधान के मूल्यों की बात करने वाली, अपनी राजनीतिक संविधान पता चलता है, हमारे राज्य का संविधान चलता है। और भूपेन जी जवाब दे दीजिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी नंबर पढ़ने लिखने से जो है पता चलता है संविधान की और राज्य की पता चलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, 75 बार कांग्रेस पार्टी टूट चुकी, कौन सी कांग्रेस में है ये सोई कांग्रेस के नेता जिनको ये नहीं मालूम कि इनकी पार्टी प्रत्याशी खड़ा कर रही है, उसको जगाने का मीडिया कर रही है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। पहले समझ तो लीजिए परिभाषा क्या होती है लोकतांत्रिक मूल्यों की, देश की संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक संस्थाओं की बात करेंगे, परम समझदार पर चल रहे हैं, क्योंकि इस देश की सार्वजनिक आपको बहुत बधाई हो, इनसे पूछ लीजिए सोनिया जी और राहुल जी कौन लोग हैं, और आप जी सोनिया जी राहुल जी आखिर कौन सा व्यापार करते हैं जो 752 करोड़ ले आते हैं, ये राजनीति करते हैं। इस संवैधानिक मूल्यों की बात करना, बड़ी बड़ी बातें करना और उसको निभाना, उसको देखकर जिस प्रकार से राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज बौखला रही है। एनडीए को क्या सशर्त सहयोग से कर पाई, एनडीए को सशर्त सहयोग से इनकार है? अगर डिप्टी स्पीकर आईएनडीआईए की तरफ से होगा तो क्या इससे एनडीए को इनकार है? देखिए ये जो निर्णय है ये हमारा वरिष्ठ नेतृत्व लेगा, एनडीए मिलकर लेगा, इस निर्णय से क्या होना चाहिए कैसे होगा आगे आगे सब साफ हो जाएगा। लेकिन भूपेन गुप्ता जी, ये एक वैश्वासिक परंपरा को आपको नहीं लगता कि एक नई दिशा मिल गई है अब कि लोकसभा स्पीकर के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे? ये तो बीजेपी तय कर रही है, बीजेपी कर रही है, आप उनसे सवाल करिए कि क्या जो परंपरा है, मान्य परंपराओं का उल्लंघन करने में उनको कौन सी गुदगुदी होती है, ये बात तो जो है आप बीजेपी से पूछिए। अब क्या बताएंगे, जो मान्य एस्टेब्लिश परंपराएं हैं जो इतने सालों से चली आई हैं, तो वो परंपराओं का आप भी निर्वाह करिए और दूसरों से भी करवाइए, तब तो कोई बात है। आप तो उल्लंघन करेंगे और दूसरे से कहेंगे परंपरा परंपरा, तो ये कैसे चलेगा बताइए आप। तो के सुरेश तो कांग्रेस की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार, क्या सहयोग देने में समस्या थी कांग्रेस को? आप उनसे पूछिए, जो है बीजेपी से पूछिए आप, और या हमारे हाईकमान से पूछिए, विषय मेरा नहीं है जी।
अलग अलग विषय चलता है इनके कुछ कहते हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ भी यही चलता है अभी, मोदी जी की जगह आप अलग अलग तो दौड़ लगा दोगे उधर है, इनके अलग अलग नियम है कायदे। ये भी जो है ये भोपाल के फ्रेंचाइजी ओनर है, इसके आगे इनसे अभी पूछोगे तो ये भी अभी जो है हाथ में लगेंगे। ये जो है बीजेपी के फ्रेंचाइजी ओनर नहीं है, ये भोपाल के हैं बस जी। ये ऐसे ऐसी टिप्पणियां करने से बचा करो मिलन बाबू, आपको भी बहुत लंबा आपका करियर है, लंबा भविष्य है आपका, इस तरह की टिप्पणी करके आप अपनी भूपेन गुप्ता जी का अनुभव मिलन जी के काम आए ऐसी उम्मीद करते हैं। जो है स्वयं की प्रतिष्ठा मगर आप इस तरह की टिप्पणियां करते हो इससे बड़ा जो है आपका आपके नुकसान है। जी जी बिल्कुल, मिलन जी आपके आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं भूपेन जी, और इन शुभकामनाओं को स्वीकार कीजिए, आपके आगे राजनीति में काम आएगा। मुझे लगता है कि इससे अच्छी अगर ऐसी ऐसी सौहार्दपूर्ण ऐसी ही अगर तालमेल वाली जो राजनीति है के लिए होती तो और ज्यादा बेहतर होता। और मिलन भार्गव भूपेन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विषय पर बातचीत करने के लिए। भूपेन गुप्ता जी और मिलन भार्गव बीजेपी और कांग्रेस के साथ जुड़े और दोनों ही की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। हालांकि एनडीए की तरफ से अब ओम बिरला नामांकन भर चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार हैं लोकसभा स्पीकर पद के लिए, और के सुरेश यहां आईएनडीआईए के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे कुछ ही देर में जो जानकारी मिली है, अब कुछ ही देर में आगे चर्चा इस पर होगी, और इस बारे में चूंकि अब तय हो चुका है कि चुनाव होना है और जो आंकड़ा है जो गणित है वो क्या कहता है, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किसके पास कितने सदस्य हैं, और उसी के अनुसार चुनाव का भी परिणाम सामने आ जाएगा। लोकसभा स्पीकर की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन आखिर कौन करने वाला है, ये तय होगा कल जब चुनाव होंगे लोकसभा स्पीकर पद के लिए।